दोस्तों, कंपनी का कोई भी शेयर खरीदने से पहले सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया जा रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि मैं इसको 6 महीने में, साल भर में, ऐसे शॉर्ट टर्म थोड़े समय के लिए अगर इसको रख कर बेचना चाहता हूँ, या उसको लंबे समय 5 साल 10 साल ज़्यादा समय के लिए रखना चाहता हूँ, तो दोस्तों ये पहले ही आपको डिसाइड करना होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी शेयर को आपने खरीद लिया, फंस गए बाद में, आपने सोच लिया चलो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख देते हैं। तो दोस्तों, एक लॉन्ग टर्म का जो हमने एक पोर्टफोलियो बनाना है, हमने पहले ही कल के पिछले सेशन में हमने बता दिया था, इस सेशन में हम बताएंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए जो हम, यानी कि आपको ट्रेडिंग करना है कुछ ही समय में, नहीं 6 महीना साल भर में पैसा को बढ़ाकर बेचना है, तो उसमें कैसे सेलेक्शन करें, किस तरह से पोर्टफोलियो बनाएं, वो भी देखेंगे दोस्तों। एक रियल टाइम, यानी कि एक बंदे का जो दोस्तों जो मुझे फॉलो करता है, तो उसका एक मैं पोर्टफोलियो में आपको एकदम जो रियल टाइम बेसिस पर अभी जो चल रहा है वो बताऊंगा। उसमें दोस्तों उसका ये हमारा जो टारगेट ये है कि उसमें दोस्तों एक शेयर को ख़रीदना और उसको डबल होने के बाद बेच देना, इस तरह का। जैसे ऐसा नहीं कि दोस्तों कि वो ख़रीद लिया और तुरंत डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसमें कम से कम हमारा साल भर का रहता है, 1 साल के अंदर पैसा डबल हो तो उसको बेच देंगे। कोई भी शेयर लिया, 1 साल में पैसा डबल हुआ तो बेच देंगे। जैसे 3 महीने में डबल हो तो भी बेच देंगे, 6 महीने में डबल हो तो बेच देंगे। इस तरह से पोर्टफोलियो बनाया जाता है। उसमें सिलेक्शन देखें किस तरह से किया जाता है वो भी देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों, हमारा इस क्वालिटी कंटेंट को दोस्तों ये लाइक जरूर कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शर्मा नारे, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं अपने एक फॉलोअर का एक अभी का करंट यानी शॉर्ट टर्म जो पोर्टफोलियो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, वो आप देखिए डिटेल, ताकि आपको सीखने मिलेगा दोस्तों इसमें बहुत कुछ। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट किया 1,88,345 और अभी इसका करंट वैल्यू हो गया 2,04,373। इसमें देखो कौन कौन से शेयर है, डीमार्ट का है, डीमार्ट ने 30% प्रॉफिट कमा लिया है। फिर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, ये 10% लॉस में है। फिर IEX है, यहाँ पर ये 5% लगभग 5% प्रॉफिट पर है। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ 4% प्रॉफिट पर है। और दोस्तों, दूसरा आगे के पेज तो वही है, 10% लॉस IEX भी हमने देख लिया। कोटक महिंद्रा बैंक देखेंगे तो 4% प्रॉफिट पर है। और लक्स इंडस्ट्रीज 20% प्रॉफिट पर है। और मेट्रोपोलिस ये लगभग 27% प्रॉफिट पर है। तो दोस्तों, ये पैसा कैसे लगे हैं इसमें, ये एक बार डिटेल हम लोग पोर्टफोलियो में जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले देखो एवेन्यू सुपरमार्ट यहाँ पर दिया है, डीमार्ट, यानी डीमार्ट का शेयर देखो 20 जनवरी को लिया था। 20 जनवरी को जब इसका प्राइस देखो 3,678 था, बराबर, और ये 5 रुपीज़ पर ये लिया था, सॉरी 5 क्वांटिटी लिया था, 3,678 रेट पर लिया था, 5 क्वांटिटी टोटल इतना था दोस्तों। और ये दोस्तों, ये पूरा चार्ट कैसे बनाना है मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इसमें ये कैसे कैसे पैसे लगे हैं वो आपको बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पर डीमार्ट में पहले 18,000 रुपीज़ डाल दिया सीधा, जैसे कि ये नीचे के रेट पर नज़र आया तो यहाँ पर डाल दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इसका देखो यूट्यूब में आप देखोगे, यहाँ पर श्रवण आ रही है और डीमार्ट डालोगे तो इसमें कंप्लीट वीडियो भी मेरा नज़र आएगा इसके अंदर दोस्तों आपको। अब यहाँ पर स्क्रीनर में भी जाके देखते हैं, डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट देखो इसके चार्ट में दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे किस तरह से ये नीचे के लेवल पे था। जब ये दोस्तों, ये जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ये 20 जनवरी को देखो यहाँ पर पैसा डाला गया था। तो 20 जनवरी में आप देखो, ये लगभग 20 जनवरी देखो एकदम नीचे के रेट पे आया था, तब यहाँ पर डाल दिया था। देखो आप, ये 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे था, यहाँ पर डाला पैसा। अब देखो, आप खुद ही देखो ऊपर की तरफ आ गया है पहला वाला शेयर। फिर दूसरा है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले जनवरी महीने में 18 जनवरी और 23 जनवरी को 2 बार डाले गए थे, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग का चार्ट में आ जाते हैं। इसके चार्ट में भी आप देखोगे तो दोस्तों, यहाँ पर कभी डाला गया, हमने पहले यहाँ पर 18 जनवरी और 23 जनवरी को डाला है। 18 जनवरी को, अब यहाँ पर इसका 18 जनवरी देखो, ये 18 जनवरी को लगभग ये नीचे के रेट पे ही था, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर 18 जनवरी को डाला है। फिर बाद में 23 जनवरी को फिर डाला है, 23 जनवरी को आप देखोगे तो एकदम नीचे के रेट पे आ गया था, यहाँ पर डाला है, एकदम नीचे नीचे के रेट पर ही डाला है दोस्तों इसको।
क्योंकि ऑलरेडी पूरा इसका चार्ट देखेंगे तो दोस्तों ये बहुत ऊपर की तरफ गया हुआ था, कुछ प्रॉब्लम्स आने के वजह से अब ये नीचे की तरफ आया है। तो ये जो है रेट एक साल के चार्ट में नीचे के रेट में ही है अगर देखा जाए तो, पूरा ओवरऑल चार्ट के हिसाब से। तो ये वो हिसाब से यहाँ पर जनवरी में हमने यहाँ पर इसको लिया। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और दो बार देखेंगे तो मई महीने में फिर लिया है, अभी अभी ये 9 मई को 13 मई को भी यहाँ पर बहुत नीचे के रेट पे आ गया। तो 9 मई को भी फिर डाला है यहाँ पर डाला 9 मई और 13 मई को फिर यहाँ पर लगभग यहाँ पर दोस्तों ये देखो यही सेम रेंज में एकदम नीचे के लेवल पर हमने डाला। अभी देखो शेयर ऊपर की तरफ चला गया है। तो जैसा देखो नीचे के रेट पर लेना चाहिए तो वो भी अच्छा खासा दोस्तों सोच समझ के लेना पड़ता है, चार्ट पैटर्न वगैरह देखना पड़ता है। तो ये देखा जैसे देखा पूरा चार्ट देखें तो कितना ऊपर की तरफ गया हुआ है, शेयर 1100-1200 का शेयर है और आई हमने अब इसको नीचे के रेट पे लिया है। दोस्तों इसके इसमें भी इंडिया बुल्स का भी हमने यहाँ पर देखेंगे तो श्रवण आ रही है और इंडिया बुल्स आप डालोगे, इंडिया बुल्स हाउसिंग करके डालोगे तो यहाँ पर आपको देखो 2-3 वीडियो नज़र आएगा। इसमें भी मैंने पूरा कंप्लीट एनालिसिस इसमें किया है कि किस तरह से इसमें अच्छा आगे का हो सकता है, इसमें बाइंग हो सकता है, इसमें मैंने बताया था। दोस्तों ये हम इसको मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें हमें कोई बाइंग का हम रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, बाइंग सेलिंग का कुछ भी हम रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, सिर्फ एजुकेशन पर्पज पर हम वीडियो बनाते हैं। जैसे कि हमने एक फॉलोअर का जैसे कि इसमें हमने लिया है, जैसे कि मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे किस तरह से वो फॉलो करते हुए कर रहा है। तो दोस्तों इसमें देखो लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है, हर एक लेवल पर होता है, लेकिन इसमें जो भी होगा दोस्तों आपका ही होगा। तो इसमें जो भी एक्शन लेना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को पूछिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली घुस जाओ उसके अंदर। उसके बाद एवेन्यू सुपर मार्केट का देखो, इंडिया बुल्स में भी हमने देखा दो बार किस तरह से अलग अलग रेट पर यहाँ पर बाइंग की मई और जनवरी में। उसके बाद इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में आ जाते हैं दोस्तों, इसमें भी यहाँ पर देखो पहले सितंबर महीने में लिया था 45 शेयर लिए थे यहाँ पर दोस्तों, इसका भी मैंने इंडियन एनर्जी का भी शेयर मैंने बनाया हुआ है, शेयर पर भी यहाँ पर वीडियो बनाया हुआ है। देखो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये देखो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर भी वीडियो बनाया है, उसमें भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर चार्ट पैटर्न में भी देख लेते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज दोस्तों, ये इसका भी पूरा का पूरा चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आप चार्ट देखेंगे पूरा का पूरा। तो देखो चार्ट से यहाँ पर कितना नीचे के लेवल पर आया हुआ है, शेयर अच्छा है इसलिए इसमें बाइंग किया है हमने। अब यहाँ पर कब कब बाइंग किया है, यहाँ पर सेप्टेम्बर अक्टूबर और जनवरी महीने में। अब यहाँ पर सितंबर देखो सब नीचे के रेट पर ही था सितंबर, फिर अक्टूबर महीने में भी नीचे इतने नीचे के रेट पर ही है, फिर जनवरी में भी किया हुआ है, ये ऊपर की तरफ नहीं किया है यहाँ पर बाइंग, यहाँ पर जनवरी में फिर नीचे आया फिर यहाँ पर बाइंग किया है। तो इस तरह से देखो किसी जैसे नीचे के रेट में हम खरीदे हैं तो अपना प्रॉफिट हो जाता है, इसलिए दोस्तों ये मेरे सारे शेयर में प्रॉफिट नज़र आ रहे हैं आपको। अब यहाँ पर अगर लक्स में देख लेते हैं, लक्स इंडस्ट्रीज़ में भी दोस्तों यहाँ पर सितंबर अक्टूबर जनवरी मार्च ऐसा बाइंग किए गए हैं। सितंबर में यहाँ पर लक्स इंडस्ट्रीज़ में आ जाते हैं, लक्स इंडस्ट्रीज़ का पूरा चार्ट देखेंगे तो देखो ये भी इतना ऊपर से आकर नीचे गिरा हुआ है। एक साल के चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो सितंबर अक्टूबर जनवरी मार्च में लिया है, यहाँ पर देखो सितंबर महीने में लगभग यहाँ पर ये रेंज में लिया था, फिर नीचे आया और बाइंग किया, अक्टूबर महीने में भी बाइंग किया, फिर जनवरी में भी बाइंग किया, फिर यहाँ पर मार्च महीने में फिर बाइंग किया एकदम नीचे के रेट पर। तो दोस्तों यहाँ पर अभी इतने यहाँ पर दीते हुए गिरते हुए शेयर में बाइंग किया, अब यहाँ देखो शेयर ऊपर की तरफ चला गया है और प्रॉफिट में मैं आ चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये इस तरह से ये जो बताया गया है तो जो इस तरह से करेंगे तो दोस्तों हम नीचे के लेवल पर खरीदें करेंगे तो ऊपर की तरफ कोई भी इंसान प्रॉफिट में आ सकता है दोस्तों। इसलिए जो एक फॉलोअर ने यहाँ पर किया हुआ है जैसे कि हम बताते हैं किस तरह से जो जा रहा है तो इस तरह से ये प्रॉपर जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो श्रवण आर्य और यहाँ पर लक्स इंडस्ट्रीज तो यहाँ पर दोस्तों लक्स इंडस्ट्रीज के भी वीडियो यहाँ पर देखो नज़र आ रहे हैं आपको। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमने इसको भी कवर किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में देखेंगे तो दोस्तों सितंबर में बाइंग किया था, फिर यहाँ पर मार्च महीने में बाइंग किया है। अब यहाँ पर मेट्रो
मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर देखते हैं यहाँ पर, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर यहाँ पर चार्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सितंबर में हमने बाइंग किया है, फिर मार्च में बाइंग किया है। सितंबर महीने में यहाँ पर देखो सितंबर महीने में ये रेंज में नीचे के बाइंग किया था, फिर बाद में मार्च महीने में फिर ये नीचे आया था, फिर यहाँ पर फिर बाइंग किया। तो इस तरह से दोस्तों अब देखो शेयर ऊपर की तरफ चला गया है। तो ये और इसका पूरा चार्ट देखेंगे तो दोस्तों ये किस तरह से ऊपर से नीचे गिरा हुआ है, तो ये ऊपर के लेवल पे जाता हुआ तो बनता है। तो दोस्तों जो हमारा ये टारगेट रहता है कि एक साल में पैसा डबल हो जाए, तो एक साल में नहीं, दो साल में, तीन साल में भी डबल हो जाए तो कोई बात नहीं दोस्तों, पैसा डबल करना हमारा टारगेट होता है शॉर्ट टर्म में। और ये भले दो महीने, चार महीने में, छः महीने में डबल हो जाए तो उसे बेच कर निकल जाना, इस तरह से ये पोर्टफोलियो बनाया गया है दोस्तों। अब यहाँ पर मेट्रोपोलिस की कभी यहाँ पर हमने शेयर का भी के बारे में वीडियो बनाया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो मेट्रोपोलिस इसमें भी दोस्तों देखो मेट्रोपोलिस का भी वीडियो, तो हर एक वीडियो को आप जाके देख सकते हो ताकि आपको समझ में आए किस तरह से यहाँ पर बाइंग की गई, क्या देखा गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर लास्ट यहाँ पर कोटक महिंद्रा देखो, अभी ही यहाँ पर 26 अप्रैल को ये शेयर खरीदा गया है, तो 40,000 सीधा डाल दिया गया इसके अंदर और शेयर सीधा 4% ऊपर भी चला गया है। तो इसमें यहाँ पर दोस्तों इसमें भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हो, कोटक करके यहाँ पर डालोगे तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर यहाँ पर देखो अभी ये शेयर डाला था, 15% डाउन हुआ, फटक से इसमें पैसा डाल दिया गया था, तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा का भी देखेंगे तो चार्ट में, कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट में देखेंगे तो इसका पूरा चार्ट देखेंगे दोस्तों, तो देखो ये कितने समय से चल ही नहीं रहा है। इसका हाई आप देखोगे लगभग यहाँ पर 2000 के ऊपर 2200 का इसका गया हुआ है, अब यहाँ से नीचे देखो 1500 रुपए के आसपास से यहाँ पर ये नीचे तक गया था, फिर ऊपर आया हुआ है अभी नीचे से जाकर। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर जो उसका बाइंग किया गया था तो 1634 रुपीज़ के रेट पर बाइंग किया गया, 24,000-40,000 रुपये डाल दिया गया। अब शेयर देखो अभी ऊपर की तरफ चला गया है, शेयर का रेट चल रहा है 1700 रुपये। तो किस तरह से देखो देखा ना दोस्तों, इसमें नीचे के रेट पर अगर अच्छा खासा मिलता है, अगर इसमें न्यूज़ कौन से न्यूज़ पे गिरा है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टेम्प्रोरी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, टेम्प्रोरी प्रॉब्लम को ऐसे गिरा है तो उसमें बाइंग करना चाहिए, परमानेंट कुछ प्रॉब्लम है, बिजनेस मॉडल ही ख़राब हो रहा है तभी आपको नहीं घुसना है दोस्तों। तो इसमें ये अलग अलग न्यूज़ के को भी देखना होता है, तो इसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, कौन से पॉइंट पर आपको बाइंग करना है, कौन से पॉइंट पर नहीं करना है, वो भी अलग से आपको पूरा डिस्कशन करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली किधर भी घुस जाओ तो लॉस में आप फंस सकते हो। तो दोस्तों ये इसमें हर एक वीडियो भी देखो मैंने बनाया हुआ है इसके ऊपर, और किस तरह से पोर्टफोलियो में किस तरह से पूरा प्रॉफिट हुआ है इसमें देखोगे, टोटल इन्वेस्टमेंट 1,88,000 के आसपास है, 2,04,000 हुआ है, 8.5% तक का रिटर्न दे चुका है, अलग अलग टाइम में देखो डाला गया है। जिस तरह से दोस्तों इसमें पैसा डाला गया है, जैसे ही पैसा डबल हो जाएगा उसमें निकल जाएंगे, अलग अलग कंपनी का अलग अलग टारगेट होता है दोस्तों, तो इसमें आपको देखना होता है कौन सा कंपनी का है, समझो उसका ऑल टाइम हाई है, अगर वहाँ तक चला जाए तो भी बेच के निकल सकता है, या कंपनी बहुत नीचे गिर गई है ऑलरेडी, 400 का शेयर 100 रुपये में आ गया है तो कम से कम उसमें डबल करके तो निकल ही सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारा एक टारगेट होता है दोस्तों, उसको टारगेट अचीव होने के बाद निकल जाने, शॉर्ट टर्म में दोस्तों इसी तरह से काम करते हैं। और शेयर हमेशा बदलते रहते हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं कि एक ही शेयर लॉन्ग टर्म में, तो एक ही शेयर जो हमने डाल के रखा हुआ है को 5-5, 10-10 साल तक आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन बार बार उसको बेच कर को पोर्टफोलियो को चेंज किया जा सकता है। एक इंडेक्स का शेयर गिर गया है तो उसको खरीद लो, दूसरा जो बढ़ गया उसको बेच दो, उस तरह से चेंज करते करते आपको पैसा अच्छा खासा मल्टीप्लाई हो सकता है दोस्तों। दोस्तों हमारा ये क्वालिटी कंटेंट को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के दोस्तों हम अलग अलग वीडियो लाएंगे आप तक कि आपको समझ में आ सके दोस्तों, और जन जागरूक करने के लिए दोस्तों पूरे दुनिया के हर कोने में दोस्तों गांव-गांव में इस वीडियो को पहुँचाएं ताकि सबको ये सीखने मिल सके शेयर मार्केट के बारे में। थैंक यू।